हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर भाजपा ने निकाली कमल संदेश यात्रा। विधानसभा चुनाव की गर्माहट ने जिले पर दस्तक दे दी है। आचार संहिता भी लागू है और प्रमुख पार्टियां चुनाव के प्रचार में मैदान में उतर चुकी हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय निर्देशानुसार बाड़मेर जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल के नेतृत्व में कमल संदेश यात्रा का आयोजन किया और युवा मतदाताओं को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। भाजपा ने डाक बंगले से वाहन रैली का आयोजन किया, जो वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी और टाउन हॉल पर रैली को समाप्त किया गया। वहीं रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय पर भाजपा के झंडे व प्रचार सामग्री चस्पा कर दी, जिस पर कार्यालय में मौजूद कर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को खरी खोटी भी सुनाई। वहीं भाजपा महामंत्री कैलाश कोटड़िया ने माफी मांगकर मामले को शांत किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।